यही वजह है कि पिछले साल जब भी हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था तो सबसे ज़्यादा तब तक 18 टीमों ने पिछले साल इसमें हिस्सा लिया और इस साल जो है 40 टीमें जो है इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। दो वेन्यूज में कोशी स्टेडियम और रियासी। इस टूर्नामेंट में जैसे मैंने कहा कि 40 टीमें जो है अपने पंजाब और कश्मीर को मुकाबला करेंगे। मुझसे सहमत हो तो मेरा मानना है कि ये टूर्नामेंट क्योंकि शहीदों की याद में मुनक्कद हो रहा है तो अगर आपको 2 मिनट के लिए शहीदों की याद में खड़े होकर के उनको अपना अपना कार्य की इज्जत पेश करें तो अच्छा लगेगा। नहायत ही खूबसूरत सुबह जिसमें ठंड भी है और थोड़ी थोड़ी मैं सबको शुक्रिया कहता हूं और मैं समझता हूं कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए और आप सबके लिए बहुत अहम है। जो शहीदों की याद में है अगर आप इसकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ अपने जवान दोस्तों के लिए साथियों के लिए खिलाड़ियों के लिए और ये रकम काफी नहीं है तो इससे ज्यादा रकम खर्च करने की हम लोग इच्छा रखते हैं और जरूर करेंगे। जय हिंद। किंग्स भारतीय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 ओपन। जेएमके के खिलाड़ी ये सबसे पहले एक फ्लैग हम सभी करते हुए हमारे बीच के साथ जोरदार तालियां और उनके साथ में हमारे इस मोमेंट को कैमरों में कैद किया जा रहा है और ये रहा ये प्यारा सा मोमेंट। जोरदार तालियां। 3 रंगों से आसमान रंग चुका है। आज के इस मैच के जम्मू कश्मीर पुलिस पार्टियर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट है 2022 जी सर। क्या रोस्टर
से क्या है ये जे 18th मार्टियर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस के उन जवान बहादुर पुलिस ऑफिसर्स और जवानों को अपना खराज अकीदत पेश करने के लिए, उनको याद करने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद में टीमें हिस्सा ले रही हैं, 40 के करीब टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। अभी एग्जीबिशन में जो शुरू होने वाला है, इस तरह की बहुत सारे इवेंट्स पूरे साल के दौरान की गई, दर्जनों की तादाद में ऐसी इवेंट्स हुई। अभी भी इस वक्त कठुआ में मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, उससे पहले भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुई। मैं समझता हूं कि ये इवेंट्स लोगों को साथ जोड़ करके, नौजवान साथियों को, प्लेयर्स को साथ जोड़ करके जो की जा रही हैं, समाज में अमन और शांति का पैगाम देने के लिए बहुत पायदार साबित होती हैं। देखिए ये लिस्टें नॉर्मली पब्लिक डोमेन में जब कोई ऑर्डर छपते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, चार जगहों पे ऑर्डर बांटे जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं, कहीं ना कहीं से इस तरह का कागज आगे पीछे हो जाना को बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर शर्म की बात यह है कि जो इस लेवल तक गिर चुके हैं लोग, जिनको धमकियां देने के अलावा और कुछ नहीं सूझता है, उनको शर्म आनी चाहिए कि जहाँ का जो सामाजिक भाईचारा, जो आपसी मेलजोल है, आपसी जहाँ का रहन सहन है, उसमें हर किसी के लिए जगह है। और जहाँ जम्मू और कश्मीर के लोग, दोनों जगह के लोग मिलके साथ में रहते हैं, जम्मू और कश्मीर के अलावा ये धरती हर कोने से दुनिया के लोगों को खैर मकदम करती रही है, वेलकम करती रही है, आइंदा भी करती रहेगी। इस तरह के जो मान लीजिए जो बुखलाट में आए हुए घटिया किस्म के अंसर, ये इस कमीनगी पर उतर आए हैं कि कश्मीर की जो जहाँ की फिजा है वो इनको हजम नहीं होती, उसको चैलेंज करना चाहते हैं, लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। परेशानी की बात तो है, चिंता की बात तो है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सख्ती से, जिस तेजी से, जिस शिद्दत से ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ काम किया जा रहा है, वो समाज की बेहतरी के लिए है, वो लाजमी है, जरूरी है। पुलिस के साथ साथ लोगों को भी खड़े होना है, इस काम को जहीं रोकना नहीं बल्कि बहुत शिद्दत से और आगे बढ़ाना है। इस चैलेंज को भी हम लोगों ने उसी चैलेंज की तरह इसका सामना करना है जैसे दहशतगर्दी की चैलेंज का मुकाबला किया है। इस तरह की नकलो हरकत में, क्राइम में जो भी शामिल होगा, वो किसी भी महकमे से हो, पुलिस से हो, कहीं से हो, किसी तरह का फर्क ना करके उनके खिलाफ वही तरीका अपनाया जाएगा जो बाकियों के लिए है, बल्कि उनके साथ और भी ज़्यादा सख्ती की जाएगी।